प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पर चलने वाले भदोही के पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य गोरखनाथ पांडे की क्षेत्र में सक्रियता चर्चा का विषय है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और भदोही लोकसभा क्षेत्र से प्रथम सांसद रहे गोरखनाथ पांडे धार्मिक राजनैतिक सामाजिक समेत जनता के दुख दर्द में हमेशा शामिल होते रहे हैं। इस समय राष्ट्रीय राजनीति की सियासत में सक्रिय पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे भदोही लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उनकी सक्रियता लोगों में खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। डीग ब्लॉक के डीग गांव में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन में भी वह शामिल हुए और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ उन्होंने कथा व्यास पुरुषोत्तम जी महाराज का कथा श्रवण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नर नारी मौजूद रहे। सुनिए क्या बोले कथा व्यास पुरुषोत्तम जी महाराज। वो भगवान चाहिए मांग हो भूमि धेनु धन कोशा मेरा सारा कोष ले लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा क्या तेरी इस संपत्ति को लेने के लिए ही मैं त्यागी बना हूँ। सर वश शिव प्राणा जो शिव जी के प्राण तत्व हैं मुझे वो राम चाहिए राजन मुझे वो राम चाहिए। मुनि देहु निमिष एक मां मेरे प्राण ले लीजिए लेकिन मेरे राम को मुझसे अलग न करेंगे। के जीव के जीव सुख के सुख राम तुम ही तात बिहाय गृह जिनही तिनही देवा। साधु आपके पास कुछ मांगने आया है तो आपका कल्याण ही करेगा। तो महाराज जी के सुंदर कथा प्रवचन को आपने सुना। अब बात करते हैं सियासत की। सियासत भी कुछ चमत्कार और धर्म पर आधारित भाग की वह लेखा जो सफलता की दास्तान लिखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात विजन के बाद किस पर होगी भदोही जिले में सियासत पर बजरंग बली की वो कृपा और किसे मिलते हैं राम बताएंगे भाजपा की अगली खबर में।